एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छाया मिश्रा में। गाइस ये देख सकते हैं हम बिल्कुल पास से दिखा रहे हैं, बिल्कुल भी ऑयल नहीं है, ऑयल फ्री नमकीन। तो ये टेस्टी नमकीन बनाने के लिए देखिए हमारी वीडियो पूरी, ये हमने कैसे बनाई है, बहुत टेस्टी बहुत यम्मी होममेड चना दाल नमकीन। हेलो एवरीवन, हम छाया मिश्रा आप सबका स्वागत करते हैं अपने चैनल छाया मिश्रा में। तो चलिए देखते हैं आज की हमारी रेसिपी कि आज हम आप लोगों के लिए क्या लाए हैं। तो चलते हैं किचन की तरफ। सॉरी गाइस, काफी टाइम से हम वीडियोस नहीं ला पा रहे थे क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी कि पानी की बरसात की वजह से लाइट नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से हम वीडियो नहीं ला पाए थे, उसके लिए सॉरी। और देखिये आज हम बनाने जा रहे हैं चना दाल की नमकीन। तो ये हमारी 2 कटोरी चना दाल है और ये देखिए 1 टी बेकिंग पाउडर नहीं डालना है, मीठा सोडा डालना है, ठीक है। ये हमने डाला हुआ है 1 टीस्पून, ठीक है, 2 कटोरी दाल और 1 टीस्पून बेकिंग सोडा डालकर ओवरनाइट के लिए भिगो देंगे। ये देखिए गाइस हमने भिगो दिया था, ठीक है, और कितना पानी कितना क्लाउडी हो गया है, अजीब सा चिकना चिकना हो गया है। तो इसको अच्छे से हम वॉश करेंगे, ठीक है, और फिर इसको हम क्या करते हैं, ये देखिए इतना अच्छे से फूल गई है दाल, ये देख सकते हैं आप, टूट रही है, ठीक है। आप 5 से 6 घंटे के लिए भी भिगो सकते हैं, उसमें भी फूल जाएगी, बट जो अच्छा सा टेक्सचर ओवरनाइट भिगोने में होगा आएगा वो ऐसे नहीं आएगा 5 से 6 घंटे में। तो उसको अच्छे से वॉश करते हैं 5-6 पानी से। ये देख सकते हैं गाइस हमने इतना धुला है कि इसका पानी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया है। तो अब इस पानी से हमको दाल को निकालनी है और 1 घंटे या 1 घंटे आप इसको फैन में डाल दीजिए तो इसका पानी जो ऊपरी सतह का पानी है वो सारा हट जाए, ठीक है। आपको ये नहीं करना है कि इसको हमें सुखाना है, सुखाना नहीं है बिल्कुल भी, सिर्फ इसका पानी हटाना है ऊपर का। ये देखिए गाइस इस तरह से हमने जाली ले ली है, ठीक है, और इससे कपड़ा इसमें बिछा लिया है, आप कॉटन का ले लें, ठीक है, और इसमें हम इसे पलट देंगे तो जितना एक्स्ट्रा पानी है नीचे के बर्तन में आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो पानी है इसका सारा निकलकर नीचे, ये देखिए इसमें आ गया है नीचे वाले बर्तन में, देख सकते हैं आप, दिख रहा होगा। तो इसको बस ऐसे ही हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे जिससे कि इसका पानी सारा निचुड़ जाए, उसके बाद में हम दूसरे कपड़े पर, सूती कपड़े पर इसको फैला देंगे, ठीक है। अगर आपको जल्दी है तो आप पोंछ भी सकते हैं इस दाल को, ठीक है। तो हम इसको ऐसे ही रख देते हैं, देखिए इस बर्तन पर ऐसे ही हम रख देंगे जिससे कि पानी सारा निकल जाए। और वीडियो हमारी स्किप बिल्कुल मत करिएगा, लास्ट तक देखिएगा क्योंकि लास्ट में एक ऐसी ट्रिक बताएंगे जिससे आपको फ्राई करने में बिल्कुल झंझट नहीं होगा। तो देखिए कैसे तेल भी नहीं खराब होगा और फ्राई करने में झंझट भी नहीं होगा। तो मिलते हैं 1 से 1.5 घंटे बाद। गाइस हमारी दाल एकदम रोस्ट हो चुकी है, इसमें पानी नहीं है। देखिए अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप दाल को हल्के कपड़े से, कॉटन के कपड़े से पोंछ लीजिए, तब भी चल जाएगा। बस ये है कि इसमें पानी ज्यादा रहेगा तो छिट्टियां ज्यादा आएंगी इस वजह से। तो चलिए अब इसको हम अपना फ्राई करते हैं। एक टेक्निक आपको हम दिखाते हैं कि हम कैसे फ्राई करेंगे। ये देखिए गाइस ये हमारी स्टील की चलनी है, ठीक है। अगर आपके पास वो हैंडल वाली चलनी नहीं होती है, ठीक है, तो प्लास्टिक की छलनी होती है, या फिर 1 मिनट अभी दिखाते हैं। ये देखिए इस तरह की अगर चलनी होती है तब भी इसमें दाल नहीं रुकती है, निकल जाती है इस वजह से, ठीक है। तो आप चाहे इस तरह से भी ले सकते हैं, आप इस तरह से भी ले सकते हैं, दोनों तरह से ले सकते हैं। इस तरह से आपका ऑयल खराब नहीं होगा और दाल आप एक बार में ही निकाल सकते हो, ठीक है। जो हम नमकीन बनाएंगे वो एक बार में ही निकाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाना है हमको। देखिए गाइस इसमें तेल होने का बहुत मैटर करता है, तेल अच्छा गर्म होना चाहिए। ये देखिए डाल रहे हैं तो तुरंत ऊपर आ रही है, तो इसी तरह से ऑयल होना चाहिए। तो ये चलनी हम अपने इसमें रखेंगे, ठीक है, और अब अपनी हम इसमें दाल डाल देंगे। जिस हिसाब से डालना है उस हिसाब से आप डाल दीजिए और ऐसे ऐसे करके आपको थोड़ी थोड़ी फैलानी है इस तरह से। देखो इस तरह से हिलाते रहना है, इस तरह से देख रहे हटाते रहना, क्योंकि तेल अच्छा गर्म होना बहुत जरूरी है। इसी तरह से आपको फ्राई करना है, ये देखिए। और आप फ्लेम को हम धीमा कर देंगे बिल्कुल, और धीमी फ्लेम पर अब हम 2 से 3 मिनट भूनेंगे। ये देख सकते हैं इसमें बबल्स आ रहा है, इसको हम 2 से 3 मिनट ऐसे ही भून लेंगे। ये देखिए भून रही है, तो बस इसी तरह से हमें भूनना है, ठीक है, हिलाते हुए। गाइस ये जो मुझे ध्यान रखें कि इस तरह से डालने के बाद में ऐसे हिलाते रहें
और जब ये दाल अपने आप जब ये पक जाएगी अंदर से, ठीक है, तो ये अपने आप ऊपर आ ऑयल में ऊपर आ जाएगी, तब इसी का इंडिकेशन होगा कि हमारी दाल अच्छे से कुक हो चुकी है। तो जब ऊपर आ जाए तभी हमें इसे निकालना है, और बहुत ज़्यादा हो तो आप एक दाना तोड़ कर भी देख सकते हैं, ठीक है। नहीं जैसे समझ में आ रहा है कि दाल तो ऊपर आ गई मगर समझ में नहीं आ रहा है पक चुकी है या नहीं, तो उसको एक दाना लें और तोड़ कर देख लें कि बढ़िया कुरकुरा बन गया है या नहीं। ये देखिए गाइस, देख सकते हैं ये सारे के सारे दाने ऊपर तैर के आ रहे हैं, ठीक है, ये ऊपर तैर के आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारी बन चुकी है, ठीक है। तो इसको हम एक दाना ऐसे लेंगे इस तरह से, गर्म है, आराम से लें, हाथ वरना जल जाएगा, और ऐसे तोड़ कर देखेंगे। ये देखिए हमारी अच्छे से बन गई, तो इसको हम अब निकाल लेंगे, ठीक है। ये देखिए पकड़ से ऐसे पकड़ा और इसको ऐसे उठा लिया, सारा तेल निचोड़ दिया इस तरह से, और देखिए आप देख सकते हैं ऑयल भी हमारा गंदा नहीं हुआ बिल्कुल, और आराम से हम फिर से बना लेंगे। तो इसको इसका सारा ऑयल ऐसे निकाल देंगे फिर अलग हटाएंगे। ये देख सकते हैं गाइस कितना इजी है इससे बनाना हमारा। अगर इस तरह की जैसे उस तरह की छन्नी नहीं है जो हैंडल में पकड़ने वाली, या फिर इस तरह की छन्नी नहीं है तो इस तरह से भी बना सकते हैं। और आटे की छलनी लगभग सबके घर में होती है, हाँ बस इतना ध्यान रखें कि प्लास्टिक की छलनी ना हो वरना खराब हो जाएगी, वो नहीं उससे नहीं बन पाएगा क्योंकि पिघल जाएगी, ठीक है। और देखिए दोबारा बैच हम सेकेंड बैच जो सेक रहे हैं उसके लिए भी ऑयल हमें अच्छे से गर्म करना है, उसके बाद सेकेंड बैच इसमें डालना है। जैसे हमारा ऑयल हो चुका अब डाल देंगे, और बहुत केयरफुली डालना होगा क्योंकि ये थोड़ा सा मॉइस्ट होती है तो इससे हमारा खराब होने का भी डर रहता है। तेल की फ्लेम बिल्कुल हाई रहनी चाहिए, बस इतना ही ध्यान रखना है। और जब एक मिनट के बाद इसको हम फ्लेम इसकी कम कर देंगे। ये देखिए गाइस हमारे पास टिश्यू पेपर नहीं था इसलिए हमने पेपर पर डाला है, और ये देख सकते हैं आप पेपर में बिल्कुल भी ऑयल नहीं है। ये देखिए बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल है, और ये देखिए ये थाली इसमें हमने निकाला था इस वजह से इतना ऑयल है, थोड़ा सा इससे ऑयल बिल्कुल इसमें नहीं रहता। और अभी हमारी नमकीन गर्म है, ये देख सकते हैं बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल है, ठीक है। पेपर खराब हुआ थोड़ा सा, अभी दिखाते हैं आपको। ये देख सकते हैं पहले से ही थोड़ी सी मूंगफली हमने रोस्ट कर रखी थी, आप चाहें तो उसका छिलका हटा दें, हम नहीं हटाएंगे क्योंकि थोड़ा सा अच्छी लगेंगी दिखने में, ठीक है। तो ये सारी नमकीन हम इसी में डाल देंगे। देखिए गाइस अभी ये गर्म है, इसी में हम अपना नमक ऐड करेंगे। और गाइस ये वही नमक है जो हमने बनाया था, जिसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप देख लीजिएगा। बस स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। देखिए ये नमक इसलिए क्योंकि इसमें हमें हर चीज मिलाई हुई है, तो इसको अब हम मिक्स करके भरकर डिब्बे में रख देंगे। ये देखिए गाइस अच्छे से मिल गया, और आप एक मिनट देख सकते हैं, ये देखिए हम थाली साइड हटा रहे हैं, ये देखिए बिल्कुल भी ऑयल नहीं है, बिल्कुल सूखा निकल के आया है हमारा, ठीक है। तो चलिए इसको सर्व करते हैं। ये देखिए गाइस हमारे घर की नमकीन बनी हुई कितनी टेस्टी और कितनी यम्मी लग रही है। गाइस आप इसमें एक सेव भी मिला सकते हैं बेसन के बना के, तो इसको और चाहे और भी चीजें मिला के बना सकते हैं, जैसे बेसन के सेव हमने हमारे मतलब है प्लेलिस्ट में, तो वो आप देख लीजिएगा। और बेसन के सेव गाठिया की रेसिपी वो भी हमारी वीडियो पर पड़ी हुई है, तो आप वो सब देख लीजिएगा, लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे और इंडस्ट्री में लगा देंगे। तो आज की हमारी ये रेसिपी अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट रेसिपी के साथ।